हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द रॉय डॉग्स ट्रेडर्स। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कल के लिए कुछ बेहतरीन इंटरडे स्टॉक, यानी मंडे के लिए कुछ बेहतरीन इंटरडे स्टॉक जिस पे आप मंडे को इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ट्रेडर्स, आपको कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट लेना है पूरा डिटेल में एनालिसिस करके बताएंगे, तो वीडियो पे आप पूरा बने रहें। और ट्रेडर्स, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाएं। वहाँ पे आपको लाइव मार्केट अपडेट और निफ्टी और बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट सपोर्ट और डिस्टेंस लेवल देखने के लिए मिलता है। और आपको वहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट देते हैं और आपको वहाँ पे लाइव चार्ट भी अपडेट करते हैं, जो कि स्विंग और इंट्राडे लाइव ट्रेड करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पे ज्वाइन कर जाएं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आपको यहाँ पे सिंपली से स्कैनर आ रहा होगा, तो सिंपली से आप स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, पहले हम बात कर लेते हैं जो प्रीवियस सेशन में जो स्टॉक ट्रेड करने दिए थे उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो प्रीवियस सेशन में हमारा फर्स्ट स्टॉक था सिप्ला की तरफ से, जो कि ट्रेडर्स यहाँ पे ये लेवल पे शॉर्ट सेल पोजिशन बोले थे, बट इसमें यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया जो कि लो लगभग बनाया 1536 के पास, जो कि 1550 से 1536 का लो बनाया। अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए होंगे तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए होंगे। अगर आप प्रॉफिट बुक किए होंगे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज का कल कल का हमारा प्रीवियस स्टॉक था पावर ग्रिड की तरफ से, जो कि ट्रेडर्स ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, बट ये यहाँ से मार्केट फॉल किया, फिर ये एक लेवल लोअर लेवल लगाने के बाद जो कि यहाँ से मार्केट रिकवर किया, जो कि स्टॉक ने हाई बनाया था 333 के पास। अगर आप यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, अगर आप प्रॉफिट या लॉस जो भी बुक किए होंगे, अगर आप नीचे कमेंट करके जरूर बता दें। तो प्रीवियस सेशन का हमारा अगला इंटरडे स्टॉक था, जो कि प्रीवियस सेशन में हम तीन ही स्टॉक दिए थे, जो कि ट्रेडर्स यहाँ से ब्रेकडाउन पे शॉर्ट सेल पोजिशन बोले थे, बट ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ, फिर यहाँ पे लेवल रिटेस्ट किया और लो बनाया लगभग 677 के पास। तो अगर आप यहाँ पे रिटेस्ट पे अगर एंट्री लिए होंगे तो काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किए होंगे। अगर आप प्रॉफिट बुक किए होंगे तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और ट्रेडर्स, अगर आप लोग को हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और ये वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। तो ट्रेडर्स, अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक जिस पे आप कल के सेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। कल के लिए ट्रेडर्स हमारा फर्स्ट इंटरडे स्टॉक हो जाएगा जीएनएफसी की तरफ से। इसको ट्रेडर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए, ये स्टॉक में एक फॉलिंग विच काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन देखने के लिए मिला है। ये स्टॉक में आप एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, जो कि ये मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस की तरफ फेस करते हुए यहाँ पे नजर आया है। ये स्टॉक में आप देख सकते हैं, जो कि ये मल्टीपल टाइम यहाँ से रिटेस्ट कर रहा है और ये जो स्टॉक है इस जोन में बार बार कॉन्सोलिडेशन करते हुए नजर आया है। तो ये स्टॉक जब भी यहाँ से ये ब्रेकआउट करेगा ये लेवल को, जो कि ये ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिला है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। अगर ट्रेडर जीएनएफसी जो है 645 से ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपको 648 का रखना है, सेकेंड टारगेट 650 का रखना है और इसमें स्टॉप लॉस 642 का रखना है। तो अगर ट्रेडर जो है जेएनएफसी जो ये फॉलिंग दिस काइंड ऑफ पैटर्न में यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन कर रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करता है, तो जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो कल के लिए ट्रेडर्स ये जो है हमारा फर्स्ट इंटरडे स्टॉक हो जाएगा, तो आप इसे कल जरूर ट्राई करें। तो बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा सेकेंड स्टॉक, कल के लिए हमारा सेकेंड स्टॉक हो जाएगा जाइडस लाइफ की तरफ से। इसको भी ट्रेडर्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखे तो यहाँ पे भी काफी अच्छा खासा एक टेन लाइन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिला है, जो ये टेन लाइन को मल्टीपल टाइम यहाँ रेजिस्टेंस की तरह रिटेस्ट किया है और ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे देखे तो मल्टीपल टाइम ये टेन लाइन को रेजिस्टेंस किया है और यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह फॉलो करते हुए भी नजर आया है, जो कि यहाँ से ये फॉल किया था, ये टेन लाइन का सपोर्ट लिया, यही टाइम लाइन का ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे भी सपोर्ट ले चुका है। सपोर्ट लेता है, थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाता है, बाउंस बैक दिखाता है, यहाँ पे भी बाउंस बैक दिखाया है, जो कि पहले ही यहाँ से रुक गया है। और यहाँ से टीडर चांस है इसका, जो यहाँ पे आप एक स्विंग हाई देखने के लिए मिला है, जो कि एक माइनर सा है। अगर यहाँ से ये कंटिन्यू टाइम लाइन को ब्रेकआउट करके ये लेवल को ब्रेक करता है जायदा स्टार कल के सेशन में, तब एंट्री बना सकते हैं। 1026 के ऊपर भी ब्रेकआउट करेगा तब आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजिशन बनाना है। फर्स्ट टारगेट 1030 का रखना है, सेकेंड टारगेट 1034 का रखना है
उसमें एसएल जो है 222 का रखना है। अगर ट्रेडर जेडस लैक जो है ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके कल के सीजन में निकलता है तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो कल के लिए ट्रेडर्स ये जो है हमारा सेकेंड स्टॉक होगा। और ट्रेडर जेडस लैक अगर ब्रेकआउट नहीं करता और यहाँ रेजिस्टेंस के पास ये जो इस लेवल को ब्रेक करेगा जो कि हमारा 1020 का, अगर यहाँ से लेवल ब्रेक कर देता है तब आपको नीचे जो एक टाइम लाइन सपोर्ट की तरह आप फॉलो करते हुए नजर आ रहा है ये स्टॉक यहाँ से यहाँ तक बिक सकता है। तो अगर ये लेवल को ब्रेक डाउन करेगा एक अच्छा खासा रेड वॉल्यूम के साथ तब आप यहाँ पे शॉर्ट सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो कल के लिए ये जो है हमारा सेकेंड इंट्राडे स्टॉक हो जाएगा। तो कल आप इसे जरूर ट्रैक करें। तो टेरर्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं हमारा पीडीपीटी ग्रुप के बारे में, जिसमें टेरर्स आपको डेली वहाँ 3 से 4 इंटरनेट स्टॉक देते हैं और जो कि यूट्यूब स्टॉक से बिल्कुल ही अलग होता है और यहाँ यूट्यूब स्टॉक से ज्यादा खुशी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्राइडे के सेशन के लिए 2 स्टॉक दिए थे जो कि दोनों स्टॉक में शॉर्ट सेल पोजीशन बोले थे, जो कि दोनों स्टॉक काफी अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों स्टॉक में एक स्टॉक मोतीलाल जो था 2% से ज्यादा का मूव दिया, जस्ट डायल 1.5% से ज्यादा का मूव दिया। यहाँ पे मेंबर भी प्रॉफिट स्क्रीनशॉट पे, यहाँ पे आप रेगुलर मेंबर का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं जो कि जो भी मेंबर यहाँ पे प्रॉफिट करते हैं काफी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट करने का मौका मिलेगा। अगर आप हमारा पीटीपी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका ट्रेडर जो फी है 1 मंथ का सिर्फ जो है 199, फर्स्ट मंथ के लिए अभी के लिए है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आप अभी ज्वाइन हो सकते हैं पीडीपी ग्रुप में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो जल्दी से जाएं व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। तो बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा थर्ड स्टॉक। कल के लिए हमारा थर्ड स्टॉक हो जाएगा चोला फाइनेंस के तरफ से। इसको भी ट्रेडर्स देखे तो काफी अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन को ये रेजिस्टेंस की तरह रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी टेस्ट किया, सेकेंड टाइम भी टेस्ट किया, थर्ड टाइम भी टेस्ट किया, ये भी ना कहीं एक चैनल पैटर्न में फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ ब्रेक डाउन किया, फिर एक लेवल के बाद ये स्टॉक काफी अच्छा खासा रिकवरी किया और ये ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस की तरह फेस करते हुए नजर आया है। तो यहाँ से ट्रेडर्स अगर ये ब्रेक करता है चोला फाइनेंस तब आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हैं जो कि हमारा लेवल होगा 1468 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट 1472 का रखना है, सेकेंड टारगेट 1476 का रखना है, इसमें स्टॉप लॉस 1464 का रखना है। और ट्रेडर्स में वॉल्यूम भी देखें तो काफी अच्छा खासा है, तो इसके लिए कंफर्मेशन भी है। अगर ये लेवल का ब्रेक करता है 1468 चोला फाइनेंस का तो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। तो कल के लिए हमारा ये थर्ड स्टॉक होगा, तो कल आप इसे जरूर करें। तो बात कर लेते हैं कल के लिए हमारा फोर्थ और लास्ट इंटरडे स्टॉक जो कि तेजस हमारा इंडस टावर की तरफ से हो जाएगा। ये स्टॉक में देखें तो ये स्टॉक काफी अच्छा खासा एक लेवल पे काफी टाइम से ये रेजिस्टेंस की तरफ फेस कर रहा था, जो कि तेजस ये लेवल यहाँ से ये ब्रेक डाउन किया और काफी ये लेवल से एक शार्प रैली देखने के लिए मिला और ये रेजिस्टेंस लेवल पे जो कंसोलिडेशन करते हुए नजर आया था और फिर यहाँ से फॉल हुआ था, बट इसमें उतना सेलर एक्टिव नहीं था तो ये ज्यादा फॉल नहीं हो पाया। अगर ट्रेडर्स यहाँ से कंटिन्यू ये लेवल को ब्रेकआउट कर देता है सस्टेन करेगा 390 का, जैसे ही 390 के पास आपको कोई सा 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता हुआ नजर आए और जैसे ही उसका हाई ब्रेक करे तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं इंडस टावर में। तो इंडस टावर कल के लिए जो है हमारा ये फोर्थ और लास्ट इंटरव्यू स्टॉक होगा, तो कल आप इसे जरूर ट्रैक करें। और ट्रेडर्स अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ पे हम स्विंग कॉल भी अपडेट करते हैं, तो आप अभी जाके स्विंग ट्रेड के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और लिंक से ही आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन जरूर दबा लें और ये वीडियो को भी लाइक करके और अपने फ्रेंड के पास वीडियो को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।